नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी थी जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि बिहार में प्रेजेंट थी। और हम बात करें अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज के टाइम सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उससे भी कई साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास इतना ही बड़ा है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम बात करें उसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी पे एक पहले कई सारे जो हमारे इंडियंस लोग थे, इंडियंस किंग्स थे, उन्होंने भी हमला किए थे। अगर हम 7th century की बात करें तो लेटर जब इन्वेडर्स आए हमारे इंडिया में, जो कि खिलजी था जिसने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जिसमें 90 लाख पुस्तकें जली थी जो कि बहुत ज़्यादा थी। अगर हम बात करें, अगर उस टाइम वो चीज़ नहीं जली होती तो आज हम लोग का बहुत आगे बढ़ चुका होता है इंडिया। अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी जलती है तो उसमें हमारा जो पढ़ते हैं लोग वही नहीं होता, हमारा फ्यूचर भी उस चीज़ पे डिपेंड हो जाता है। फ्यूचर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उस चीज़ को लेके। और 90 लाख बुक जो कि 3 महीने तक जली थी। अगर हम बात करें फोटोज़ की, फोटोज़ तो नहीं है उसकी, AI फोटोज़ हैं जो कि मैं इस वीडियो में साथ ही साथ लगा दूंगा। और बात करें, जलाई गई थी, एक मुस्लिम रूलर था जो कि मुगल एम्पायर के नीचे एक किंग था, वो काम करता था, जिसका नाम था खिलजी। और खिलजी 1193 में जो कि हुआ था, जिसमें सब चीज लड़ाई जलाई गई थी पुस्तकें। पुस्तकों के साथ साथ 2000 से ज़्यादा वहाँ जो टीचर्स थे उनको मारा गया, 10,000 से ज़्यादा बच्चे थे जो वहाँ पढ़ते थे उनको मारा गया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आज 2024 की, लगभग 800 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खड़ा हो चुका है। 19 जून जो कि कल की तारीख थी, जिस दिन मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। आज हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी हो चुकी है। अगर हम बात करें उसकी, तो फ्यूचर में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो नालंदा यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।